ये गाड़ी चलाती है हमारी मैडम, इसका काम कराने के लिए मैं लेके आया। देखो यहाँ पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं अभी मौजूद हूँ हैयल नरजिस, हैयल यास्मीन में। यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। अभी देखो यहाँ पर आके यहाँ की ये एरिया में जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी का काम करवाना है। क्या क्या करवाऊँगा आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा, देखिएगा। शिफा से हैयल नरजिस आ करके गाड़ी का काम ही करवाना है सिर्फ। और ये नरजिस जो है नया एरिया है रियाद में। एक टाइम मैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा था माशाल्लाह। और ये है हैयल नरजिस का कुछ नज़ारा, ये देख सकते हैं कितना मट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं, सेंटरिंग का काम चल रहा है। और मैं ये पंप में आया हूँ गाड़ी वॉश कराने के लिए। गाड़ी वॉश कराने के बाद मेरे को जाना है शमाल, जहाँ पे गाड़ी फहस होती है वहाँ पे। और पेट्रोल का प्राइस भी आप देख सकते हैं, आज का जो है 95 है 2.33 रियाल और 91 2.18 रियाल। और ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी आप देख रहे हैं ना, मर्सिडीज़ है कि BMW है, मर्सिडीज़ है। और इसके अंदर बंदा पता नहीं रात में सोया कि नहीं सोया, लेकिन अभी भैया दबा के सो रहा है इसके अंदर, मुंह पूरा ऊपर कर दिया फिर नींद मार रहा है। ये पेट्रोल पंप पे आया हूँ मैं। ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पर वकाला है। और यहाँ पर जो है एक अजमान की गाड़ी है, ये देख सकते हैं। अजमान वालों का स्टाइल ही अलग है भाई। और वो चप्पल पहनना, जो चप्पल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। और वो बंदे के पास मोबाइल से, लेकिन तीन के तीन मोबाइल सैमसंग है। सैमसंग लवर भी है भाई अरब में, खाली आईफोन ही पसंद नहीं करते, सैमसंग भी पसंद करते हैं। अभी हम जाएंगे ये बकाले में। तकरीबन ये गाड़ी धोने के इंडियन रुपीज़ में देखे तो 660 रुपये कुछ ज़्यादा होते, 660 रुपये कुछ ज़्यादा ये गाड़ी को VIP वॉश करने के लिए। तो भैया अभी ये गाड़ी लेकर के जाना है पेट्रोन, इसको भी वॉशिंग कराना है। हाय पेट्रोल, चलते हैं अभी पेट्रोल लेकर के वॉश कराने के लिए। गाड़ियों में यार कैमरे बड़े प्यारे दिया हुआ है। यहाँ रिवर्स लेते खुद में सामने पीछे का दो बताते हैं। अभी गाड़ी सामने जा रही है तो देखो ये पीछे का भी बता रहे हैं यहाँ पे ग्लास में। ये पूरा हैयल नरजिस है, सब नए नए बिल्डिंग्स, इधर पहाड़ तोड़ तोड़ के बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। ये कैमरे का यार जो वाइड एंगल है ना, ये सही नहीं है, नहीं तो पूरा गाड़ी अच्छे से कैप्चर होता। देखो माशाल्लाह गाड़ी है, बस इसको कहीं जो छोटी सी पार्किंग होती है ना, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है पार्किंग करने के लिए ये गाड़ी को। अभी आ गया हूँ फिर से वही महत्ते पे। जब तक बंदा गाड़ी धोता रहेगा हम ये अंदर भी आराम से बैठ सकते हैं। TV भी है लेकिन अभी फिलहाल बंद है, गाड़ी वॉश हो रही है। जैसे ही गाड़ी वॉश हो जाएगी फिर हम चलेंगे शमाल में, जहाँ पर गाड़ी फहस होता है वहाँ पे। ये काम है आज का अपना। लो भैया बड़ी गाड़ी की भी वॉशिंग हो रही है, ये भी हो जाएगी। अभी साबुन मार रहा है बंदा, गाड़ी धोने का स्टाइल बड़ा प्यारा है यहाँ पे। इसमें कमाई हो जाती है अच्छी खासी, बस ये मेहनत से काम करने वाला चाहिए, सबके बस की बात नहीं है ये काम करना। ये एक एक दिन में 10-10 गाड़ी तो धो देते हैं, 10-10 15-15 गाड़ी धोते हैं।
गूगल बाबा सही रास्ते पे ले जाता है तो कभी कभी देखो इस तरह से ला के फंसा देता है, इधर तो रास्ता ही नहीं है। ये पूरा नया एरिया है और ये आई थिंक यमामा यूनिवर्सिटी है, इधर रास्ते ही नहीं है। अब ये सीधा रास्ता पकड़ के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुंच सकते हैं फहस दौरी। पहुंच तो गया था भैया नॉर्थ इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ आने के बाद मेरे को भाई साहब ने बिठा दिया है। अभी 1:41 हो रहा है, तकरीबन 1 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से देखो टाइम और 1 घंटा तकरीबन बैठना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमारा टाइम आएगा ये गाड़ी का। अभी हम थोड़ा सा उधर आगे चलेंगे, देखते हैं उधर क्या है क्या नहीं है। अभी तक देखो यहीं गाड़ी में बैठे बैठे घर को भी बात हो गई, गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो भी एडिट हो गई और अपलोड भी हो गई है। अभी चलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं, चाय वगैरह मिलती है तो चाय पी लेते हैं चाय वगैरह इंशाल्लाह। देखो ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, घोड़ा है और भी लकड़ी से बनाया है भाई। यहाँ पर आवाज़ बहुत आ रही है जनरेटर की, देख रहे हो इसको, अच्छा बनाया है। इधर फाउंटेन वगैरह है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सामने रियाद है उधर। घोड़ा लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये चकलों से बना दिया है बंदे ने। और देखो फाउंटेन वगैरह है, अभी यहाँ अलबैक होटल भी है, यहाँ से कुछ हम ले लेंगे खाने के लिए, छोटा मोटा सैंडविच ले लेंगे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है बर्गर BBQ थिंग्स हमदियात, और ये है अलबैक। पैसे पहले देते तो क्या होता था कि यार, जब मैं गेट पे आया पैसा ही नहीं पहुंचा मेरे पास, वो मेरे ऊपर पुकारने लगा गेट वाला, पैसे पहले रखना चाहिए ऐसे वैसे। ये लोगों को पता नहीं होता, ये कार्ड साथ में दे देता तो हो जाता ना काम। खैर अभी किसी तरह से काम तो निपटा लिया, अलबैक का बर्गर भी खा लिया, बस फर्स्ट टाइम खाया हूँ अलबैक होटल से बर्गर, में पहले नहीं खाया था। ये आ गया मैं फहद सेंटर में, एक करके गाड़ियाँ जाती है इस तरह से, 1, 2, 3, 4 चार गेट है इसके, इंशाल्लाह फिट निकलेगी इंशाल्लाह। गाड़ी तो हमारी फिट होके निकल गई फहास में से, यानी कि सब ओके है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली है। इसमें जो काम कर रहे हैं ना, पूरे के पूरे सऊदी, इसमें कोई एक खारजी आपको नहीं मिलेगा, पूरे सऊदी के लड़के हैं, ठीक है, ना सूडानी है, ना मसरी है, ना इंडियन है, ना पाकिस्तानी है, ना कोई, पूरे के पूरे सऊदी लड़के। ये नई चीज़ देखने को मिली है यहाँ पर, इसका मतलब समझ जाओ। अभी हम चलते हैं, गाड़ी जिसकी है उसको गाड़ी थमाते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठ के फिर बात करेंगे आपसे। लो जी भैया हम आ गए हमारी गाड़ी में, ये जो गाड़ी है ना तीसरा दिन ही है, जो गाड़ी को मैं बनाने के लिए लेके जाता हूँ कभी भी। इससे पहले आपने देखा होगा टारुस फोर्ड कंपनी की गाड़ी, वो गाड़ी जो है ना अब्दुल्ला की भाभी चलाते हैं, ठीक है, तो वो जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को इधर से 65 किलोमीटर तकरीबन शिफा से नरजिस आता है, ठीक है, यानी दायरी से बता रहा हूँ, मलिकफा से जाएंगे तो कम आएगा। दो तीन रोड है उधर जाने के लिए, तो गया मैं गाड़ी वाड़ी जो है वाश करवाया, फिर गाड़ी को जो फास्ट करवाना था वो भी हो गया, और ये वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। ये था भैया हमारा काम जो मैं करता हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। आप लोग अगर रियाद में हैं या कहाँ से आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रा कमेंट करके बताना, वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है मेरी ये तो पता चले। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर से दूसरा काम इंतज़ार कर रहा है मेरा, इसीलिए बार बार उधर देख रहा हूँ। चलिए मा सलामा।